दोस्तों, आप सबने रामायण की कथा तो जरूर सुनी होगी और आप सब भगवान श्री राम और उनकी अनुज लक्ष्मण के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु उनके प्रिय भ्राता श्री राम के वचन के कारण हुई? क्या था वो वचन, ये सोचने वाली बात तो है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। रामायण में उल्लेख है कि श्री राम को ना चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ता है। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा लेते हो उसे पूरा करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच बातचीत चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वार पर नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दें, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। दुर्वासा अनसुआ और अत्रि के पुत्र थे और भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त थे। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उनके क्रोध से हर कोई भयभीत होता था। जैसे ही लक्ष्मण ने उनको प्रतीक्षा करने को कहा वो क्रोध से भर उठे और क्रोध में आकर उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वह नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने अंदर जाकर श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। भगवान राम ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा से मिलने गए, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु की सलाह लेने की सोची और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, तो तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो वो तुरंत ही भगवान राम के पास गए और उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। लक्ष्मण अपने भ्राता श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि जीवित रह के उनसे दूर रहने से अपने आप को उनको मृत्यु को गले लगाना आसान लगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जल समाधि लेने के लिए सरयू नदी के किनारे पहुंचे और अपनी जान त्याग दी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जहां हम दो भाइयों का अद्भुत प्रेम देखते हैं, जहां लक्ष्मण ने श्री राम के द्वारा दिया गया वचन टूटने नहीं दिया भले ही उनके प्राण ही क्यों ना चले गए। तो इसी तरह से ना चाहते हुए भी श्री राम ही बने अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण के मृत्यु का कारण। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है सीपीटी विकास जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए सीपीटी विकास जी या प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका रामायण से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का
पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।